स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पंजाब में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश की तलहटी और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, कोकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। गाजियाबाद की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा। इसी के साथ गाजियाबाद में भी गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। नई दिल्ली के मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं नई दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे, इसी के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। आज भी नई दिल्ली में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं असम और मेघालय में 11 और 12 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक चंपावत, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी जिले में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। देश के कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में मौसम साफ है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियों में तीव्रता देखने को मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, कोकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।